तुझे पता भी है कितना महंगा केक था, तुमने खराब कर दिया, तुम्हारी औकात भी है इसका हाथ लगाने की। निकल जा मेरे यहाँ से। मालकिन जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके केक का हाथ लगाया। माफ कर दूँ? निकल जा मेरे घर से, आज के बाद यहाँ मत आ जाना काम पे। चल दक्ष बेटा, उठ जाओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, फिर केक भी तो काटना है तुझे। दक्ष बेटा जल्दी से, आज मैंने मेज पर केक रख दिया है, फिर तेरे पापा भी आने वाले हैं। कितना महंगा केक था, तुमने खराब कर दिया, तुम्हारी औकात भी है इसके हाथ लगाने की। निकल जा मेरे यहाँ से। मालकिन जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके केक का हाथ लगाया। माफ कर दूँ? निकल जा मेरे घर से, आज के बाद यहाँ मत आ जाना काम पे। चल बेटा। गोरी क्या हुआ, क्यों रो रही? साहब जी मालकिन ने, इतना बुरा किया तेरे साथ, चल तू मेरे साथ। तक्ष बेटा तुम्हारे पापा का आने का टाइम हो रहा है, फिर केक काटेंगे। रुचि, तुमने गोरी को इसलिए मारा कि इसने केक छू लिया था? तुम भूल गई थी तुम कौन हो? अरे मैं तुम्हें इस घर में कहां से लेके आया था? याद कर, ढाबे में बर्तन मांजती थी जब तुझे भरपेट खाना मिलता था। और कहते हैं ना, अंदर को हल्दी की गांठ मिल जाती है ना, वो खुद को पंसाली समझता है। वही हाल तुम्हारा है, इस घर में रहना क्या मिल गया, तू भी खुद को रानी समझने लगी। मुझे माफ कर दो जी, मैं भूल गई थी अमीरी के नशे में कि मैं भी पहले आना आती थी, मुझे माफ कर दो। दोस्तों हमारी तो एक वीडियो थी, लेकिन ये भी सच है, जब हमारे दिन अच्छे आ जाते हैं ना तो हम अपने पुराने दिन भूल जाते हैं, जो कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।